गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ट्वीट की राजनीति कर रहे हैं कांग्रेसी। कमलनाथ का शिवराज सिंह चौहान के लिए किए गए ट्वीट पर कि माफी मांगे शिवराज पर जवाब देते हुए कहा कि 84 का जब दंगा हुआ था तब राजीव गांधी ने माफी मांगी थी क्या? गोल्डन टेंपल में निर्दोष लोगों को मारा गया था तब इंदिरा गांधी ने माफी मांगी थी क्या? जब 84 का दंगा हुआ था तो क्या राजीव जी ने माफी मांगी थी? जब स्वर्ण मंदिर में निर्दोष लोगों को मारा तो माननीय इंदिरा जी ने मांगी? चलो ये पुरानी बातें इनको छोड़ देते हैं। अभी नंबर वन पर जो प्रदेश है कांग्रेस समर्थित मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने माफी मांग ली, छत्तीसगढ़ माफी मांगी है क्या वकील? अरे हम तो 10वें नंबर पे हैं। 2 लाख का कर्ज माफ नहीं हुआ तब कमलनाथ ने माफी मांगी थी क्या? ऐसा व्यक्ति हमसे बोल रहा है कि माफी मांगो। मई उन्होंने कहा कि कोई भी कांग्रेसी घर से नहीं निकल रहा है, एक भी नेता तथा उद्योगपति नहीं है जो ऑक्सीजन दे सके। ट्वीट कर सिर्फ आलोचना कर भ्रम फैला सकते हैं, स्थाई इलाज वैक्सीन है। 2 लाख का 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, नहीं करा कमलनाथ जी ने माफी मांगी? आज भी समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने कर दिया कर्जा, 10 दिन की नहीं कहते, 2 लाख की नहीं कहते। ऐसा व्यक्ति हमसे कह रहा है कि माफी मांगे, बड़े दुख की बात है मित्रों, खेद का विषय है। घर से नहीं निकल रहा एक भी कांग्रेस। राहुल गांधी ने कहा कि अस्पताल में जाओ, उनको मालूम ही नहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी हैं, ये उनकी एक भी बात मानते ही नहीं। ट्वीट करके अपने फर्ज की इतिश्री करने वाले लोग माफी मांगने की बात कर, क्या यही फर्ज है? उद्योगपति कहते हैं अपने आप को, एक भी उद्योगपति का परिचित नहीं है क्या जो ऑक्सीजन दे सके? लेकिन नहीं, संसाधनों का दोहन मुख्यमंत्री रहते कर लिया, नेता प्रतिपक्ष रहते कर लिया, 35 साल से सांसद है, 25 साल से बेटा उनका सांसद है अभी। ये फर्ज है उनका कि ट्वीट करके सिर्फ आलोचना करें। आप रचनात्मक सुझाव दीजिए, हम मानेंगे ना। सिर्फ झूठ, रोज झूठ, भ्रम फैलाना, कभी वैक्सीन पे भ्रम फैलाना, कभी बीमारी पे, कभी मौतों पर। अरे एक हाथ फोटो मानी सोनिया जी का, राहुल जी का, दिग्विजय सिंह जी का वैक्सीन लगवाते हुए तो डाल दो, जिससे प्रेरणा मिले कांग्रेस के कुछ लोगों को। क्यों नहीं डाल रहे? देखिए हम सब जानते हैं कि वैक्सीन ही इलाज है कोरोना का स्थाई। आज हम लॉकडाउन करें या कंटेनमेंट एरिया बनाएं, कर्फ्यू लगाएं, ये तात्कालिक है, क्षणिक है, फर्स्ट एड है, चैन तोड़ना है उसकी, लेकिन स्थाई इलाज वैक्सीन है। पर वैक्सीन के लिए कोई प्रेरित कांग्रेस का आदमी करता नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इसमें राजनीति ढूंढ रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी, इसमें राजनीति मत करो, ये प्राकृतिक आपदा है, ये वैश्विक आपदा है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, ये पूरे विश्व के अंदर है। राजनीति करना थी तो पिछले साल थी ना राजनीति का अवसर, करते, फिर आएगा 2 साल बाद फिर करना। कम से कम यहां तो बख्श दो, यहां तो कृपा करो, यहां तो राजनीति मत करो। ऑक्सीजन लगाए जाने का अस्पतालों में जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया उसका हम स्वागत करते हैं। यस जड़ा की आपसे अपील, आपका परिवार आपके लिए महत्वपूर्ण है और आप आपके परिवार के लिए। कृपया मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, स्वस्थ रहें एवं सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस जड़ा न्यूज़, भोपाल मध्य प्रदेश।